कृपा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जी हां, मुंबई क्राइम ब्रांच से कुंद्रा लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि ब्रिटेन में रजिस्टर्ड केनरिन कंपनी से उनका कोई लेना देना है। कुंद्रा का दावा है कि केनरिन कंपनी के डायरेक्टर उनके रिश्तेदार प्रदीप बख्शी हैं, लेकिन कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके व्हाट्सएप चैट का विश्लेषण किया तो किसी से बिजनेस डील करते वक्त राज कुंद्रा ने माना कि केनरिन कंपनी में वह पार्टनर है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई क्राइम ब्रांच के आरोपों के मुताबिक केनरिन वह कंपनी है जहां से पॉर्न वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ये वीडियो मुंबई स्थित राज कुंद्रा की वियान इंडस्ट्रीज कंपनी से लंदन भेजे जाते थे। वियान इंडस्ट्रीज की एक डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी भी थी, जिन्होंने पिछले साल इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार को जब क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा की मौजूदगी में शिल्पा से उनके जुहू स्थित घर पर 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की तो यह सवाल भी पूछा कि उन्होंने वियान कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। शिल्पा के बैंक अकाउंट्स की भी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा का नाम उनकी ही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश कामत ने लिया था, जिसे फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। उमेश की गिरफ्तारी से पहले क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया था, जहां से यह मामला परत दर परत खुलता चला गया। राज कुंद्रा मामले में गहना वशिष्ठ अहम कड़ी है। उनकी गिरफ्तारी से परेशान इस केस में वांटेड आरोपी यश ठाकुर ने उमेश कामत को कई व्हाट्सएप चैट किए थे, जिसका सार यह था कि किसी भी तरह गहना को पुलिस हिरासत से बाहर निकालो, अन्यथा वह हम सब की पोल खोल देगी। यह चैट अब लीक हो गई है। 7 फरवरी 2021 के चैट में यश ठाकुर उमेश से कहते हैं कि गहना गिरफ्तार हो गई है, मुझे उसे छुड़वाने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए। उमेश इस पर जवाब लिखते हैं कि बैंक से निकालेंगे कैसे, अभी उसका मोबाइल बंद दिख रहा है, आप खुद ही बताओ क्या करें। उसी चैट में यश ठाकुर उमेश कामत को गहना की गिरफ्तारी से जुड़े कई न्यूज लिंक भेजता है। जवाब में उमेश कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं 1 महीने के लिए शिमला चला जाऊँ, वहाँ जाकर शूट भी कर लूंगा। जवाब में यश ठाकुर कहता है तुम सेफ रहोगे तो मेरे दिमाग में शांति रहेगी। लेकिन शिमला जाने का प्लान बनाने से पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने उमेश कामत को फरवरी में ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उमेश के जब्त किए गए मोबाइल फोन से राज कुंद्रा के खिलाफ भरपूर एविडेंस मुंबई क्राइम ब्रांच को मिले। यह बताना जरूरी है कि उमेश कामत के साथ जिस यश ठाकुर की चैट्स बाहर आई हैं, उसी यश ठाकुर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 मेल किए थे। इनमें आरोप लगाया गया था कि राज कुंद्रा ने मुंबई क्राइम ब्रांच में किसी अधिकारी को 25 लाख रुपए घूस में दिए थे, इसी वजह से वो फरवरी में नाम आने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए थे। मुंबई पुलिस ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।